शार्दुल ठाकुर के काबड़तोड़ बैटिंग और वरुण चक्रवर्ती की जादू स्पिन। आइए देखते हैं केकेआर बनाम आरसीबी मैच के हाइलाइट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, शार्दुल ठाकुर को एक ऑलराउंडर मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। आइए देखते हैं मैच की पूरी हाइलाइट्स। बेंगलोर ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स ने बैटिंग करने के लिए आया। केकेआर ने 89 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। तब मैदान पर शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह के काबड़तोड़ बैटिंग के बदला 204 रन के लक्ष्य दिया आरसीबी को। बेंगलोर का पहला विकेट 44 रन पर गया। विराट कोहली सुनील नारायण की गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद बेंगलोर के एक के बाद एक विकेट गिरते गए। कोलकाते की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 3 ओवर 4 बॉल में 15 रन देकर 4 विकेट लिए थे और श्रेयस शर्मा ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट। इसके जवाब में बेंगलोर की टीम 123 रन पर सिमट गई और मैच हार गई।